सही गाइस, क्या आपको बैकफ्लिक सीखना है? और अभी परेशान है भाई, अभी थक चुके हैं भाई यूट्यूब पे वीडियो देख देख के, लेकिन अभी तक आप बैकफ्लिप नहीं सीखे। लेकिन इस वीडियो में एक ऐसा तरीका बताया हूँ, अगर उस तरीके से बैकफ्लिप ट्राई करेंगे तो 100% है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन में एकदम परफेक्ट हो जाएंगे बैकफ्लिप में कुछ ऐसे। सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा, A to Z सब कुछ बताऊंगा, क्या गलती करते हैं आप जिसकी वजह से आप बैकफ्लिप नहीं कर पाते हैं, और कौन ऐसा तरीका यूज करेंगे जिस वजह से आप बहुत जल्द बैकफ्लिप सीख जाएंगे कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये करना बहुत इजी है, इतना इजी है कि मैं कहीं पे मार लेता हूँ बिना किसी डर का। अगर आपको बैकफ्लिप मारने में डर लगता है तो मैं आपका डर भी निकाल दूंगा। तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, बैकफ्लिप करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होता है वो है जंप। ठीक है, आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिए, जंप कुछ ऐसे आपको करना है। देखिए, पैरों को उठा के चेस्ट में चिपकाना है, बस आपको यही कुछ ट्राई करना है। आप कम से कम जब आप बैकफ्लिप सीखने जा रहे हैं, कम से कम भाई लगभग लगभग 10 से 15 मिनट कुछ ऐसे करिए। ठीक है भाई, टाइम तो देना पड़ेगा यार, अगर आपको सच में 5 दिन में या 6 दिन में सीखना है तो भाई टाइम तो देना पड़ेगा। सो गाइस, ये आना बहुत जरूरी है। उसके बाद ये करने के बाद से आपको करना ये है, आपको लेट जाना है, आपको ऐसे लेटना है। लेटने के बाद से आपको करना ये है कि आप अपने पैरों को उठाइए और अपने चेस्ट में चिपकाइए। ठीक, बस ऐसे आप कोशिश करिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपने पैरों को लाना है और चेस्ट में चिपकाना है। ठीक, बस इतना होने के बाद से करना ये है आपको। अब जैसे वो स्टेप कर रहे थे ना, वही सेम स्टेप को करके आपको पलटना है, रोलिंग करना है। ठीक है, देखिए कुछ ऐसे ही, बस आपको बैठना है और सेम वैसे ही अपने पैरों को चेस्ट में ला के रोलिंग करना है। देखिए, ठीक है, जब आप रोलिंग कर रहे हैं तो अपने हाथों से जंप करके फेंकने की कोशिश करिए। देखिए, ऐसे धक्का दीजिए पीछे की तरफ और इसको पकड़िए, अपने पैरों को पकड़ के चेस्ट में चिपकाइए और पीछे पलटने रोलिंग करने की कोशिश करिए। देखिए ऐसे करके, ठीक है, ऐसे आपको करना है, एक बार और देख लीजिए, ऐसे करेंगे तो आपको माइंड में आइडिया लगने लगेगा। जब भी बैकफ्लिप किया जाता है ना, देखिए जब भी बैकफ्लिप किया जाता है सेम इसी तरीके का किया जाता है, जैसे आप कर रहे थे ना, नीचे बैठना है, सोना है, फिर रोलिंग करना है, वही सेम तरीका उसी चीज को हवा में करना पड़ता है। ठीक है, देखिए आपको जब इतना कंप्लीट हो जाता है उसके बाद से आपका एक दोस्त की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, आपने एक दोस्त को बुलाइए, बुलाता हूँ, आ जाइए। ठीक, और देखिए करना ये है कि यहाँ पे कमर पे पकड़ना है। ठीक है, एक बार देख लीजिए, थोड़ा पास में आइए, पास में आइए, पास में देखिए, आप हाथ को कमर की तरफ पकड़ना और मान ली पैंट को पकड़ लेना है। ठीक है, ताकि गिरे ना। ठीक है, सेफ्टी के इसमें फुल ध्यान देना है, तो इस पैंट को पकड़ लेना है ताकि कितना भी भाई गलत तरीके से भी बैकफ्लिप करेंगे तो गिरेंगे नहीं। ठीक है, अगर ऐसे टाइट पकड़ लेंगे तो फिर इनको बोलना है वही से तरीका से बैकफ्लिप मारने के लिए। भाई कोशिश करना तो बहुत जरूरी है। ठीक है, एक बार आपको दिखा देता हूँ, समझाता हूँ, एक मिनट यहाँ पे खड़ा हो जाइए, बस खड़ा रहिए। देखिए आपको करना ये है इस तरीके से, ये जब कर रहे हैं ना, ये तरीका आपको आना चाहिए। देखिए, मान लीजिए ये कर रहे हैं, फिर ठीक आपको ऊपर की तरफ जंप करना है। ठीक है, ये देखिए आपको ये बैठ के और आपको ये टक करने की कोशिश करना है ऐसे। ठीक है, तभी आपको भाई बैकफ्लिप सीखने में बहुत आसानी होगा। भाई इतना तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है यार। ठीक, ऐसे अगर आ जाता है फिर अपने दोस्त को बुलाइए। ठीक है, आ जाइए, बुलाने के बाद से ऐसे पकड़िए पैंट को, पकड़ने के बाद से इनको बोलिए आपको पीछे पलटना है। ठीक है, इनको पीछे की तरफ पलटना है बिना डर के। भाई जब फुल सपोर्ट है तो डरने का कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए एक बार बैकफ्लिप मारिए। स्टार्टिंग में आपको पैर पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में जल्दी कोई पैर नहीं पकड़ पाता है, तो अपना पूरा शरीर का पावर के साथ पीछे पलटना है बिना पैर पकड़े हुए और फुल सपोर्ट के साथ। अगर आप डरोगे तो नहीं कर पाओगे यार, बिना डरे मारे। ठीक, पूरा सपोर्ट दे के फेंकना है, फुल सपोर्ट दे के फेंकना, कोशिश यही करना है। चलिए मारिए, अपने पैरों से जम करके पीछे पलटने का पूरा कोशिश करना है। जो सपोर्ट करेगा ना उसका पूरा पावर लगेगा, पूरा उसका शरीर का पावर लगेगा, पूरा फुल पावर के साथ अपने जिसको सीखना है उसको फेंकेगा। ठीक है, मान लीजिए मैं इनका सपोर्टर हूँ तो मैं पूरा अपना भाई पावर लगा के इनको फेंकूंगा, तभी इनको भी आइडिया लगने लगेगा कि भाई
बैक फ्लिप किया जाता है तो कैसे रोटेट किया जाता है हवा में। ठीक, चलिए बैक फ्लिप मारिए और पूरा स्पीड में मारिए। ध्यान रहे अपने दोनों पैरों से जंप करने के साथ अपना पूरा शरीर को पीछे पलटना भी बहुत जरूरी होता है भाई, ये करना पड़ेगा। उसके बाद से करने के बाद से इतना अगर आपका परफेक्ट हो जाता है फिर कहीं जाना है हाइट जगह पे। चलिए सोइस कुछ ऐसे ही आपको ऊंचा जगह पे ढूंढ लेना, देखिए अभी कितना ऊंचा है। ठीक है, देखिए इतना ऊंचा पे आपको ट्राई करना है भाई, आप दोस्त के सहारे से, ऐसा ना हो कि भाई अकेले करे, अकेले अभी मत करिएगा। जब आपका दोस्त आपको टेंट कर देगा, आपका पूरा डर निकल जाएगा, फिर अकेले ट्राई करेगा। ठीक है, देखिए जैसा तरीका बताया था ऐसे आपको पूरा पकड़ना है। ठीक है, ठीक ऐसे पकड़ने के बाद से फिर आपको बैकफ्लिप मारवाना है। बैकफ्लिप मारिए के बाद, चलिए मारिए। ठीक ऐसे देखिए, आपको सेम ऐसे ही हाइट जगह पे आपको ट्राई कराना है, फिर आपको सीखना तो भाई पक्का है। ठीक है, एक बार और दिखा देता हूँ, चलिए आ जाइए। ठीक, कमर पे हाथ रखना है, ठीक है, और फिर बैकफ्लिप मारिए, मारिए बैकफ्लिप, बस ऐसे सपोर्ट करना है, फिर धीरे धीरे करना है, ये है आपको, फिर एक बार आ जाइए। चलिए आप अपने हाथ से सपोर्ट मत दीजिएगा, जब बैकफ्लिप मार दे फिर सपोर्ट करना है। ठीक, चलिए बैकफ्लिप मारिए, ठीक ऐसे, ठीक है सपोर्ट नहीं करना, मारिए ऐसे हट जाना भाई, तभी भाई बैकफ्लिप सीख पाओगे। सो गाइस इतना करने के बाद से आपको कोशिश करना भाई थोड़ा और उससे नीचे जगह पे करने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा मतलब ऐसे कम करते जाइए, फिर फाइनली कुछ आप बराबर जगह पे मारने लगेंगे कुछ ऐसे। सो गाइस आज बहुत मेहनत लगा है भाई इस वीडियो को बनाने के लिए, अगर आपको थोड़ा सा लगा हो भाई हम लोग मेहनत किए तो बस मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिए भाई। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता यार, ना ही आपके अकाउंट से पैसा कटता है। ठीक है, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए आपका नाम क्या है। ठीक है, और आपका बैटरी का परसेंटेज अभी कितना है। ठीक है, और अपना गांव का नाम, जिला का नाम कमेंट करिए, ताकि मैं जान सकूं कि मेरा वीडियो जो है कहां कहां तक जा रहा है और कहां कहां के लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।